डहेलिया सर्दियों का बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है और ये छोटे वाले डहेलिया हैं जो मैंने अपनी बालकनी में लगाए हुए हैं। ये छोटे गमले में आराम से चल जाते हैं। जो बड़े वाले डहेलिया के प्लांट होते हैं उनके लिए बड़ा गमला चाहिए, जगह भी ज़्यादा चाहिए, उनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसको हम खुली जगह में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी कम जगह में चाहते हैं कि डहेलिया के प्लांट हम लगाएँ तो ये सबसे ज़्यादा बढ़िया प्लांट है छोटे वाले डहेलिया। तो इनको मैंने लगभग 10 इंच के गमले में लगा रखा है। अभी पिंचिंग कर करके इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है और ये बेबी सन रोज़ है जो छोटा सा फूल खिला हुआ है, ये प्लांट कटिंग से लगाया था मैंने। तो देखिए अभी जितनी ज़्यादा पिंचिंग हम करेंगे उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस इनमें निकलती हैं और फूल उतने ही ज़्यादा आते हैं। तो दो चीज़ ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं ये डहलिया के प्लांट में, एक तो रेगुलर पिंचिंग, बराबर इनको तोड़ते रहना, पुराने फूलों को ब्रांचेस को थोड़ा सा तोड़ देना ताकि उसमें से 2-3 ब्रांचेस निकलें और फूल ज़्यादा आए। और दूसरी चीज़ है बिल्कुल टाइम से फर्टिलाइज़र देना। अगर 10-10 दिन में फर्टिलाइज़र देते रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया फूल इन पर आते रहेंगे। फर्टिलाइज़र कौन सा सबसे बढ़िया रहता है जो मैं इस टाइम पर यूज़ कर रही हूँ वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। और कोई भी पत्ती अगर आपको लगे कि ख़राब हो रही है उसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि कोई भी अगर ऐसा रोग है जो पूरे प्लांट्स पर फैल सकता है वो रुक जाएगा, पत्तियों को बराबर हटाते रहें। और हर 15 दिन में किसी भी अच्छे फंगिसाइड से अपने प्लांट पर स्प्रे करते रहें तो फंगस की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा। तो ये कुछ ज़रूरी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें रेगुलर ध्यान रखना चाहिए, और ये भी चेक करते रहें कि प्लांट पर किसी तरह का कीड़ा तो नहीं लगा है। जैसे ही फूल पुराना सा आपको लगता है तुरंत उसको कट कर दीजिए। और जब आप इस फूल को कट करेंगे तो यहाँ से कम 2-3 ब्रांचेस निकलती हैं और उन पर उतनी ही ज़्यादा कलियाँ आती हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है करना। और कोई भी ऐसी आपको ब्रांच दिखे जिस पर कली नहीं आ रही उसको भी आप ऊपर से थोड़ा सा कट कर दीजिए तो वहाँ से भी कलियाँ आ जाएंगी और पौधा आपका घना होता जाएगा। देखिए कितनी छोटी छोटी कलियाँ नीचे से निकल रही हैं, तो जितना घना होगा उतने ज़्यादा फूल आएंगे और पौधा हमारा बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा। डहेलिया के पौधों में अच्छे फूल लेने के लिए हर 10 दिन में इनमें फर्टिलाइज़र ज़रूर ही दीजिए ताकि बहुत ही बढ़िया फूल हम इनसे पा सकें। तो अगर गमले में जगह है तो गुड़ाई कर लीजिए हल्की सी, बहुत बढ़िया रहेगा। लेकिन अगर जगह नहीं है तो गुड़ाई ना भी करें, तो लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है आराम से हम दे सकते हैं। जितने भी हमारे विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स हैं अगर हमें छोटे गमले में या बास्केट में लगाए हुए हैं तो उनमें गुड़ाई की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो अभी मैं इनमें फर्टिलाइज़र दूंगी और अभी जो मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है। आप मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो और भी कई तरह के लिक्विड फर्टिलाइज़र हैं ऑर्गेनिक जिनको आप दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं जो अपने प्लांट्स में दे रही हूँ वही मैं आपको बता रही हूँ। बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है ये फर्टिलाइज़र और इसमें मुझे कोई ज़्यादा झंझट भी नहीं लगता, बहुत ही कम लगता है और बढ़िया मेरे सारे पौधों में अच्छा रिजल्ट इससे मिल रहा है। तो देखिए इस तरह की कोई पत्ती आपको दिखे जो काली हो रही है तो उसको तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि ये फिर पूरे जितने भी प्लांट की पत्तियाँ उन पर फैल जाती है बीमारी। तो इस तरह से हटाते रहिए, फंगस वाली जो प्रॉब्लम है वो अगर आपको दिखे तो तुरंत कोई भी अच्छे फंगिसाइड से स्प्रे जरूर करिए अपने प्लांट पर, तो पौधा हमेशा ठीक रहेगा, इस तरह से पत्तियाँ ख़राब नहीं होंगी। तो देखिए फर्टिलाइज़र के लिए मैंने 1 लीटर पानी लिया है और उसमें लगभग 1 ml मैं सीविड फर्टिलाइज़र डालूंगी जो लिक्विड है, एक बॉटल आती है, बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक है, आप इसको ऑनलाइन ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है और इसको बनाने में देने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस कुछ ही सेकंड में ही घुल जाएगा और इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। तो 1 लीटर में मैं 1 ml यूज़ करती हूँ उसको, तो अगर 5 लीटर पानी है तो 5 ml डालो और दे दो, तो बहुत दिन चलती है एक बोतल और बहुत बढ़िया इंडोर आउटडोर सभी प्लांट्स में ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है। तो इस तरह से ये फर्टिलाइज़र हर 10 दिन में मैं अपने डहेलिया के प्लांट्स में दे रही हूँ। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र भी फूल वाले पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है, लिक्विड बना के हम दे सकते हैं, लेकिन अगर धूप कम आती है हमारी बालकनी में तो कभी कभी हो सकता है कि फंगस की प्रॉब्लम हो जाए, तो उस समय आप ये फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, इसको देने से फंगस की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच, बाय, जय सियाराम।